हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के बारे में। जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसे सक्सेसफुली ई वेरीफाइड भी कर देते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद 20 से 25 दिन के बाद हमें अपनी ईमेल आईडी पर रिसीव होता है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). इस इंटीमेशन के आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे कोई डिमांड की क्वेरी की गई है या डिमांड रेज की गई है। ये इंटीमेशन आपको दोनों ही केसेस में मिल सकता है, या तो डिमांड रेज की गई है या फिर आपका आईटीआर ओके है और आपको रिफंड इश्यू कर दिया गया है। तो जब भी आपको इस तरह का इंटीमेशन अपनी ईमेल आईडी पर रिसीव हो, आपको उस इंटीमेशन को ओपन करना है, उसे पूरा रीड करना है और एंड में आपको ये देखना है कि कोई डिमांड रेज की गई है या फिर रिफंड इश्यू के लिए ये ऑर्डर आया है। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट को किस तरह से ओपन करना है, इसमें क्या पासवर्ड आपको एंटर करना है और इस डॉक्यूमेंट को किस तरह से रीड करना है, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीमेशन आपको किस तरह से रिसीव होता है अपनी ईमेल आईडी पर। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है और इस तरह का एक लेटर आपको रिसीव होता है जिसमें ऊपर लिखा है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), उसके आगे आपका पैन नंबर और असेसमेंट ईयर दिया रहता है। इसके बाद नीचे आपका नाम लिखा होगा डियर करके और इसके बाद में लैंग्वेज लिखी रहती है प्लीज़ फाइंड अटैच्ड द इनकम टैक्स इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). इसमें नीचे आपको अटैचमेंट दिया रहता है, ये अटैचमेंट है और इस अटैचमेंट को आप जब ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिमांड रेज की गई है या फिर रिफंड के लिए ऑर्डर आया है। अब इस डॉक्यूमेंट का पासवर्ड क्या होता है, क्योंकि ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आपको डालना है स्मॉल लेटर्स में अपना पैन नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और सब कुछ आपको एक सीक्वेंस में डालना है। ना तो आपको कोई स्पेस देना है, ना कोई हैश लगाना है, ना कोई डैश लगाना है। डेट ऑफ बर्थ को भी आपको एक सीक्वेंस में लिखना है, उसमें कोई डैश या हैश नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंट को किस तरह से ओपन करना है उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया रहता है इस लेटर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा दी अटैचमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू ओपन द अटैचमेंट प्लीज एंटर योर पैन इन लोअर केस एंड डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि अगर आपका पैन नंबर ये है और डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1985, तो आपको पासवर्ड किस तरह से एंटर करना है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इंटीमेशन रिसीव हुआ है। इसके लिए हम डॉक्यूमेंट को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट ओपन होने पर इस तरह से दिखेगा। इसमें ऊपर आपका नेम एंड एड्रेस पहले इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, इसके बाद साइड में आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। नीचे असेसमेंट ईयर दिया है, आईटीआर टाइप है, डेट ऑफ ऑर्डर है, कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर है, इसके बाद ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न दिया हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दिया है, आपका पैन नंबर दिया हुआ है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि आपने रिटर्न कब फाइल किया है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया होता है इनकम टैक्स कंप्यूटेशंस। अब यही मेन चीज़ है कि आपको किस तरह से देखना है कि आपके द्वारा कैलकुलेशन क्या दिखाई गई थी और असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आया है। तो इसमें एक कॉलम दिया गया है रिपोर्टिंग हेड्स, यहाँ पे सारे कॉलम्स हैं कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, जो भी आपके आईटीआर के कॉलम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद साइड में आपको मिल जाएगा एज़ प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर इन रिटर्न ऑफ इनकम, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है टैक्स पेयर ने, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाले कॉलम में मिलेंगी। और इसके साइड में है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), मतलब एसेसिंग ऑफिसर के द्वारा क्या कैलकुलेट किया गया है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी। और क्योंकि अब सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, तो आपके फॉर्म 26AS के जरिए आपकी जितनी भी इनकम है और जितना भी TDS का अमाउंट है वो सारा डिपार्टमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए अब आप अपनी कुछ भी इनकम हाइड नहीं कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इनकम होगी वो सारी 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाती है और वहाँ से डिपार्टमेंट उसे कैच कर सकता है। तो देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या दिया गया है। सैलरी जो टैक्स पेयर ने दिखाई थी वो थी 6,22,000
और असेसिंग ऑफिसर के द्वारा क्या दिखाई गई है, वो भी 6,22,000 है। ये अमाउंट कहाँ से आया, ये आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है और वहाँ से ये अमाउंट यहाँ पर आया है। दोनों अमाउंट सेम है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डिडक्शंस दिए गए हैं, सैलरी के अमाउंट में से 40,000 आपने भी दिए और असेसिंग ऑफिसर ने भी 40,000 के डिडक्शन दिए हैं और ये आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गई है। 5,82,000 आपने भी कैलकुलेट की है और यहाँ पर भी 5,82,000 कैलकुलेट होकर आई है, तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम ये भी सेम आ रही है, यहाँ पर भी 5,82,000 है और यहाँ पर भी 5,82,000 है। इसके बाद डिडक्शंस के कॉलम आ जाते हैं कि आपने 80C से लेकर के 80U तक के अंदर जो भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं, तो आपने 1,50,000 के डिडक्शंस क्लेम किए थे और यहाँ पर इन्होंने इसे कंसिडर कर लिया है कि ठीक है हम आपको 1,50,000 के डिडक्शंस दे रहे हैं। इसके बाद और यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर एक और 80GG का यहाँ पर रिडक्शन क्लेम किया गया था 60,000 रुपीज़ का, तो वो भी यहाँ पर अलाउड कर दिया गया है, ठीक है हम आपको 60,000 रुपीज़ का रिडक्शन भी यहाँ पर दे रहे हैं। टोटल डिडक्शंस 2,10,000 के हमने भी क्लेम किए और 2,10,000 के ITR के द्वारा भी शो किए गए हैं। इसके बाद टोटल इनकम आ जाती है, वो भी सेम आ रही है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम वो भी सेम है। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट सेम है 6,000 रुपये का। एजुकेशन सेस सेम है दोनों केसेस में। और इस तरह से हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी सेम आई है 6,346। TDS का अमाउंट भी सेम है 23,308। टोटल टैक्सेस सेम आए हैं। रिफंड का अमाउंट 16,960 इनके द्वारा कैलकुलेट किया गया है 16,962। इसके बाद हमें एक अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 338 रुपये का, जो कि हमने नहीं दिखाया था और यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। तो आपको डिपार्टमेंट आपके रिफंड के अमाउंट पर इंटरेस्ट दे रहा है कि आपका TDS का अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट हो गया था, इसलिए हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि आपने एडवांस में अपना TDS पे कर दिया था। तो ये 338 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है, ये आपकी इनकम हो गई है और इस इनकम को आप अपने अगले साल के ITR में शो करेंगे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड क्या बना है इस केस में। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम टैक्स रिफंड ये हमने क्लेम किया था 16,960 रुपये का और इंटरेस्ट अमाउंट जुड़ने के बाद ये हो गया है 17,300 रुपये का। तो यहाँ पर आ गया नेट अमाउंट रिफंडेबल और ये है 17,300 रुपये। इतने अमाउंट का आपको रिफंड इशू किया गया है और ये कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड पाने में आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपने बैंक अकाउंट्स को प्री वैलिडेट करना मत भूलिएगा और आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पर कि किस तरह से आपको अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट करना है, क्योंकि इनकम टैक्स के द्वारा ये नोटिस जारी किया जा चुका है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट्स को प्री वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये तो था रिफंड का केस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिफंड का ही केस हो, इंटीमेशन में हमें डिमांड भी आ सकती है। तो अगर आपके पास डिमांड आई होगी तब यहाँ पर इस जगह पर नेट अमाउंट पेबल में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स आता है जिसमें लिखा रहता है ई पे टैक्स और यहाँ पर आपका अमाउंट लिखा होगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो उस केस में आप कैसे करेंगे, आपको इस ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करना होगा, आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी नेट बैंकिंग के लिए और वहां से आप अपने टैक्स अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसअग्री हैं, आपको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत टैक्स कैलकुलेट किया है और आपने जो अपना ITR फाइल किया था वो सही फाइल किया था, तब आप इस केस में इनकम टैक्स साइट पर लॉगिन करके अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं कि आप इस डिमांड के साथ डिसअग्री हैं और वहां पर आपको अपने रीजंस भी देने होंगे कि आप क्यों डिसअग्री हैं। ये आपको किस तरह से करना है ई फाइलिंग साइट पर वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लॉगिन और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ई फाइल पर आना है और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। मेरे केस में यहाँ पर कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है इसलिए ये बॉक्स ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर आपके केस में आउटस्टैंडिंग डिमांड है तब आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप डिमांड से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आपको वहाँ पर अपने रीजंस देने होंगे और अगर आप अग्री करते हैं तो आपको सिंपली टैक्स पे कर देना है।
रिफंड इश्यू होने के 15 से 20 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं। इंटीमेशन रिसीव होने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको फिर से अपना ITR फाइल करना होगा। आपको सबसे पहले इंटीमेशन को ओपन करना है और ध्यान से उसे एंड तक देखना है कि क्या उसमें क्वेरी रेज की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।